जय श्री राम दोस्तों। 134 साल तीन अदालतों में चले विवाद के बाद शुरू होता है राम मंदिर सिलसिला। राम मंदिर को बचाना होगा। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि इस भव्य मंदिर को नष्ट कब किया गया। जब 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हुआ तभी 1527 में यहाँ के भव्य मंदिर को तोड़ दिया जाता है और उस जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया जाता है। भारत के संविधान बनेगा। जब राम मंदिर मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया तो ये मामला तकरीबन 9 साल तक चला और फाइनली 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और 5 जजों के बेंच ने ये मामला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया। भगवान श्री राम आने ही वाला। अब आती है राम मंदिर को बिल्ड करने की बात। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी जाती है। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री सहित बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती है। इस मंदिर को बनाने में तकरीबन 4,000 करोड़ से भी ज्यादा ट्रस्ट इकट्ठा हुआ है। ये मंदिर कुल 3 तल में बनने वाला है। पहला तल का निर्माण 22 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। इसी दिन भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस दिन तकरीबन 7,000 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि इस मंदिर के तीनों तलों का निर्माण जनवरी 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने टाइटल द अयोध्या की तरफ। अयोध्या में किन चीजों का निर्माण हो रहा है और ये कैसे देश की अर्थव्यवस्था में सहायता करेंगे। सबसे पहले यहाँ अयोध्या में एयरपोर्ट जिसे श्री राम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। 350 करोड़ की लागत से बनाया एयरपोर्ट अयोध्या की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पर कई भव्य स्थान है जैसे हनुमान गद्दी, राम कोट, कनक भवन, मणि पर्वत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह है द अयोध्या की कहानी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।